इतनी बड़ी बात आपने छुपाई क्यों? मैंने आपको अपना सब कुछ माना, आपने मुझे धोखा दिया। मैं अपने बाबा को वापस पाने चला था, पर मुझे पता नहीं कि मैं अपने दोस्त को खो रहा हूं। डिट्टू, मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है, मगर मुझे लगा कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी में एक अच्छा काम तो करूं। तुमने कभी कहा था कि एक चीज के सहारे आदमी अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता है। तुम्हारा मकसद ही मेरे लिए वो एक चीज बन गई, और इसके सहारे मैं बाकी सब कुछ भूल गया। और वैसे भी गुरु, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता हूं, क्योंकि ट्यूमर से पहले तुम्हारी ये फिल्मी डायलॉग्स मुझे मार देंगे। साला उमर, चंदू को चूना हमने लगाया, अब वो पान खाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, पैसे तुम्हें उसी से निकलवा लूंगा, बाकी का काम। चलो यहां से, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे। वो पेशेंट नहीं है डॉक्टर। गुरु स्टॉप इट, ये पुलिस को बुलाएगा। अरे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, इसलिए तो उसे मम्मी बनाया। प्लीज स्पेशलिस्ट का कहना है कि तुम्हारे जैसे केसेस में कुछ सक्सेस मिली है। देखो, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, चांसेस कम है, लेकिन इनफैक्ट ये एक ही चांस है। अरे 1% चांस भी है ना गुरु, तो उसे 100% कर देंगे। 2-2.5 करोड़ का खर्चा है, आने जाने का, वहां 2-2.5 महीने रहने का, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मैंने यहाँ कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी बात की है। मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं।
इतने सारे पैसे? 10 साल की कमाई। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तो ट्यूमर के साथ तुम्हारे 2-4 और बीमारियों का इलाज कर देता। सिर, यू आर नॉट गोना बिलीव। कौन? मैं बर्खादत बोल रहा हूँ NDTV से। आज की ताजा खबर सुन हरामी, पान तो बहुत बढ़िया बनाया था लेकिन चूना थोड़ा ज्यादा लगाया। 5 करोड़ का चूना हजम नहीं हुआ। देख ये लौंडिया मेरे पास काम मांगने आई थी, 75,000 मांग रही थी। टांग पे हाथ फेरा था मैंने, टेंशन में आ गई थी। अब तू ही सोच ले 5 करोड़ के लिए मैं क्या क्या करूंगा। अगर उससे कुछ हुआ नहीं। ए देख ए हरामी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तेरे पास तो है ही नहीं। लड़की को बचाना चाहता है तो होराइजन के टेरेस पे पैसे लेकर आ जा। लौंडिया कह रही थी तू मर रहा है, समझ ले मर गया।